इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में एक महीने से भी कम का समय बचा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना वायरस के चलते डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन्स की इवेंट्स कैंसिल कर देनी पड़ी है। ये सब तब हो रहा है जब शुरुआत से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को काफी हल्के में लेते रहे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप एक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स से उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मलानिया ट्रंप भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि उस अमेरिका में जहां कोरोना से 200,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोग अमेरिका में ही हैं, उस अमेरिका ने कैसे कोरोना वायरस से डील किया है शुरुआत से लेके अब तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का कोरोना रिस्पॉन्स क्या रहा है, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। साल 2020 की शुरुआत में ही फरवरी को जब चीन के वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने लगा और एक पेंडेमिक घोषित कर दिया गया, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने 7 फरवरी को क्लेम किया कि ये कुछ ही हफ्तों की बात है और कोरोना वायरस चला जाएगा, जैसे ही गर्मियां आएंगी कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स के दावों से बिल्कुल अलग था। जो लोग महामारी को समझ रहे थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक महामारी को जड़ से खत्म होने में काफी लंबा समय लग जाता है और कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में भी समय लगेगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी से कह चुके थे कि राष्ट्रपति चुनावों की तारीख से पहले पहले कोरोना वैक्सीन तैयार हो जानी चाहिए और उन्होंने जनता को भी आश्वासन दे दिया था कि 3 नवम्बर से पहले पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। 29 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता को भरोसा दिलाया कि अमेरिका कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे सख्त कदम उठा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लॉकडाउन को लेके लगातार अमेरिका में जद्दोजहद होती रही और डोनाल्ड ट्रंप स्वास्थ्य से पहले इकोनॉमी को रखते रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का व्यापार बंद नहीं हो सकता, अमेरिका बंद नहीं हो सकता और ये एक कॉमन फ्लू है, एक छोटा सा फ्लू बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को और कहा था कि कुछ ही दिनों में ये अपने आप ही चला जाएगा, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार इसके उलट दावे कर रहे थे। 25 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश से ज्यादा कोरोना वायरस की टेस्टिंग की है, लेकिन ये दावा एक बार फिर गलत था। डोनाल्ड ट्रंप के दावे से बिल्कुल अलग, अमेरिका में उस समय लगभग 780 लोगों में से एक व्यक्ति का कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था, जबकि साउथ कोरिया जैसा देश 150 में से एक व्यक्ति का कोरोना वायरस टेस्ट कर चुका था। कोरोना वायरस को लेके लगातार डोनाल्ड ट्रंप WHO के दिशा निर्देशों को और चेतावनियों को भी नजरअंदाज करते रहे, यहाँ तक कि जब WHO ने कहा कि कोरोना वायरस की डेथ रेट लगभग 3.4% है तो इसका मजाक उड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हाँ, WHO कहता है कि कोरोना वायरस से मृत्यु दर लगभग 3.4% है, लेकिन मुझे लगता है कि 1% से ज्यादा नहीं है और इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। 24 अप्रैल को जब दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना की चपेट में आ चुके थे और अमेरिका में भी कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैल चुका था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग को ब्रीफ करते हुए बहुत ही सरकास्टिक तरीके से पूछा था कि क्या हम सनलाइट का प्रयोग कर कोरोना वायरस को थाम सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने डिसइंफेक्टेंट्स का इंजेक्शन देकर कोरोना वायरस ठीक करने जैसी बातें भी कही थी, जिसके बाद काफी सारी कॉल्स भी आई थी अमेरिका में, जहां पे पॉइजन इंजेक्शन के मामले बढ़ गए थे और फिर FDA को और वहाँ की स्वास्थ्य एजेंसियों को ये चेतावनी जारी करनी पड़ गई थी कि डिसइंफेक्टेंट्स के इंजेक्शन से कोरोना वायरस ठीक नहीं होता है। और फिर उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेके एक बहुत बड़ा दबाव बनाया रिसर्च कम्युनिटी के ऊपर कि नहीं, मुझे लगता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही वो दवा है जो एक मिरेकल दवा साबित हो सकती है कोरोना वायरस के इलाज के लिए। और उन्होंने पब्लिकली कई बार इस बात की पुष्टि की कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही वो दवा है जो कोरोना वायरस को ठीक कर देगी। इसके बाद बड़े पैमाने पर खुलेआम लोग बिना किसी जाँच के, बिना डॉक्टरी सलाह के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने लगे, जिससे कई बार उन्हें नुकसान होने की भी खबरें सामने आई थी।
और कोरोना वायरस से बचने के सख्त उपायों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक समय इकोनॉमी को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, जबकि एंड्रू क्यूमो जो कि न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं, उन्होंने लगातार कहा था कि अभी हमें इकोनॉमी के बारे में बाद में सोचना होगा, पहले लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा। तो ये हमें स्टेट्स और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में अमेरिका में तनातनी देखने को मिली थी, जब कोरोना वायरस के मामले उस समय अमेरिका में पूरी तेजी से बढ़ रहे थे, पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे थे। कोरोना वायरस के मुद्दे को लेकर ही अमेरिका WHO से इतना नाराज हो गया कि उन्होंने WHO से अपने सारे संबंध भी तोड़ लिए और लगातार चीन को निशाने पर लिया जाता रहा। अमेरिका की तरफ से कोरोना वायरस का रिस्पॉन्स सही से ना देने की अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए उस अमेरिका में जहां आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हैं और दुनिया में कोरोना वायरस के लगभग 2,05,000 मौतें कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में हुई हैं, वो दूसरों को ये कहता रहा कि दूसरे देशों में आंकड़े सही से नहीं आ रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रशिया, चीन और भारत का भी नाम लिया गया कि क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भारत, रूस और चीन जैसे देशों की तरफ से कोरोना वायरस से निपटने के संख्या सही से नहीं आ रही है और ना ही कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का आंकड़ा सही से सामने आ रहा है, इसलिए वहां के केस सामने नहीं आ रहे हैं। तो एक तरीके से अपनी जनता का ध्यान भटकाने की भी कोशिश कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से दिखी। वो अमेरिका जिसका एक भी नागरिक अगर देश से बाहर मरता है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, वैश्विक मुद्दा हो जाता है। अमेरिका देखा गया कि अभी तक किस तरीके से अपने एक एक नागरिक की जान को इतना महत्व देता देखा गया। उस अमेरिका में एक महामारी की वजह से साल 2020 में 2,05,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिका में हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के प्रशासन को, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, कभी भी इसकी जिम्मेदारी गंभीरता से लेते नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का समय नज़दीक आया तो उस समय लगातार वो बड़ी भीड़ को, बड़े जनसमूह को बिना मास्क के मिलते रहे, बिना कोरोना वायरस से बचने के उपायों के मिलते रहे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी जो कि डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, उनके मास्क पहनने का मजाक तक उड़ाया। और अब आखिरकार जब खुद डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, तो उन्हें अपने सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं और फिलहाल उन्हें इमरजेंसी में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया है जहाँ एक्सपेरिमेंटल दवाओं से उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक वरिष्ठ सलाहकार होप हिक्स के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद, जब उन्होंने टेस्ट कराया कोरोना वायरस का तो वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद में अब व्हाइट हाउस की एक और बड़ी अधिकारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, लेकिन अभी भी व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर सख्ती नहीं बरती गई है। अभी भी मास्क पहनने को मैंडेटरी नहीं किया गया है। अभी भी जो व्हाइट हाउस के नियम है मास्क पहनने को लेकर वो यही है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मास्क पहन सकता है और मास्क पहनना ना पहनना एक निजी फैसला है। लेकिन जब ऐसे समय में जब हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी उसके इंतजाम में लगे लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए और देखा गया कि किस तरीके से व्हाइट हाउस के खुद अधिकारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और तो और व्हाइट हाउस की पूर्व काउंसलर कैलेन कॉनवे भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, तभी भी कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका में गंभीरता नहीं दिखती है और लगता है कि कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता आने वाले समय में भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लगता है कि अमेरिका में ऐसी एक छवि है कि हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश हैं और अब जब इतना नुकसान हो ही गया है तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा अब हम ज़्यादा इसमें लॉकडाउन लगाएंगे या फिर लोगों में पैनिक फैलाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि कोरोना वायरस एक एयरबॉर्न डिजीज है, यानी हवा से भी फैल सकता है, लेकिन उन्होंने समय रहते इसकी जानकारी अपने लोगों को नहीं दी, जिसकी वजह से बहुत से लोग कोरोना वायरस की ओर चपेट में आ गए और लगातार डोनाल्ड ट्रंप भी अपने समर्थकों से अपनी इलेक्शन रैलियों में बिना मास्क के मिलते रहे, बिना सुरक्षा उपायों के मिलते रहे। लेकिन अब जब आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, कम से कम उनको 14 दिन लगेंगे क्वारंटीन में रहने के लिए और क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है, लगभग 74 साल के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मलानिया भी 50 साल की हैं, वो ओबीस कैटेगरी में भी आते हैं, तो यानी कि वो खतरे की रेखा में आते हैं, वो खतरे के जोन में आते हैं। देखना होगा कि कितनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से उबर पाते हैं
और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर आया संकट टल पाता है।